नमस्कार दोस्तों, एम पे टुडे के टुडे मेला में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। हमारे एजुकेशन पार्टनर है वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल। आइए अब चलते हैं ग्वालियर मेले की तरफ। झूला सेक्टर में हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ग्वालियर मेला कैसा लगा उनको। क्या नाम है भाई आपका? पिंटू गुर्जर। कैसा लग रहा है ग्वालियर मेले में आपको आना? बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार मेला बहुत अच्छा लगा है। और भी लोग हैं हमारे साथ में, भाई क्या नाम है? शिवम सिंह कुशवाहा। ग्वालियर मेले में क्या खासियत है इस बार? इस बार मतलब थोड़ा ये है कि मतलब जो भी है घूमने वाले यहाँ पे थोड़ा काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है इस बार ज़्यादा। पिछली बार क्या कोरोना के चक्कर में थोड़ा डाउन हो गया था, तो इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है। आइए दो लड़कियां भी हैं हमारे साथ मौजूद और उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उन्नति सक्सेना। ग्वालियर मेले में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी फनी है। कौन कौन से झूले झूले आपने? हम लोगों ने नाव वाला, ब्रेक डांस और अभी न्यू वाला सर्कल वाला हुआ, वो वाला बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहोगे ग्वालियर के लोगों से? यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा है एंड मतलब पहले से काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। पिछले साल मेला नहीं लग पाया था, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, काफ़ी टाइम से लग पा रहा है पैंडमिक की वजह से, कोरोना की वजह से 2-3 साल से, तो फिर लोगों को अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली आएंगे तो इतने टाइम बाद। हम ग्वालियर के झूला सेक्टर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सैलानी जो ग्वालियर मेले घूमने आए हैं। क्या नाम है आपका? विनीशा यादव। कैसा लगा ग्वालियर मेला? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद घूमी तो काफ़ी मज़ा आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभांगी। ग्वालियर मेले में कौन कौन से झूले आपने? एक नाव झूला था, एक वो सर्कल और एक ब्रेक डांस। कैसा लगा है ग्वालियर मेला? बहुत, हाँ तभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मेले में आना है, तो अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? हिमांशी। कैसा लगता है ग्वालियर मेला? बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए भैया, ग्वालियर मेले में रौनक फिर से बढ़ती जा रही है और 2 साल बाद जो ग्वालियर मेला लगा है उसको देखने आप भी आइए। हम ग्वालियर के झूला सेक्टर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हैरत अंग्रेज कर्तव्य करने वाली महिला।
अब आइए उनसे जानते हैं कि मौत के कुएं में किस तरीके के कर्तव्य करती हैं। मैडम, किस तरीके के कर्तव्य करती हैं आप मौत के कुएं में? बुलेट चलाते हैं, उस पर स्टन करते हैं। कितने साल हो गए आपको मौत के कुएं में कर्तव्य करते हुए? 15 साल। हाथ छोड़ के कैसे कर लेते हैं आप? ऐसे ही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो है, लेकिन कुछ तो ऐसे साझा किए कि लोग जो कर्तव्य करते हैं मौत के कुएं में, इतना टफ तो मैंने नहीं देखा। और ख़ास तौर पे रॉयल इनफील्ड बुलेट से आप जो स्टंट कर रही हैं वो तो मैंने अभी तक नहीं देखा अपनी लाइफ में, वो कैसे कर लेते हैं? ऐसे ही मेरी हिम्मत है, थोड़ी जज्बा है। हाथ भी छोड़ लेते हैं, वो हाथ कैसे छोड़ देते हैं आप बुलेट को? ऐसे ही बोल रही ना, सब अपनी हिम्मत होती है। मतलब बैलेंसिंग करना मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा नहीं देखा होगा जो मैंने आज ग्वालियर के मेले में आपको देखा है, और इस तरीके से स्टंट आप करते हो। क्या सोच रही है आपकी ये स्टंट के लिए, और ये आप मौत के कुएं को आपने ये अपना रोजगार का साधन चुना, कैसे आपने ये लिया सर? अच्छा लगता है मेरे को, मैं सीखी तब से, अब मेरा ये जॉब भी है और मैं खुद भी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा भी लगता है। मैडम, कैसे लगता है आपको कि ये आपने स्टंट जो करे हैं, आपने कहाँ से सीखा? इसी में, मौत के कुएं में ही। कौन आपके गुरु रहे इसके? नहीं, एक्चुअली मेरा बाइक का कोई गुरु नहीं है, मैं खुद ही सीखी हूँ बाइक को। कितने साल से आप बाइक चला रहे हो? मेरे को 15 साल हो गए। कितनी आपकी एज है? एज मेरी 29। 29 साल है। तो देखिए भैया कि 29 साल की उम्र में बुलेट को कैसे मौत के कुएं में झुलाती हैं ये मैडम। और आप भी ग्वालियर मेले में आइए, झूला सेक्टर के ब्रेक डांस से जो झूला झूल के आए हैं युवा, उनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है। भाई, ब्रेक डांस आपने झूला झूला है, कैसा लग रहा है आपको? इसमें तो पूरा सर घूम रहा है चारों तरफ से। अभी वहाँ से झूलने के बाद नीचे उतरा हूँ, एक अंकल में टच हो गया तो अंकल कहते हैं कहाँ घूम रहे हो? मैंने कहा अंकल नशे में नहीं हूँ, झूला झूल के उतरा हूँ। काफ़ी सारा अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारा बहुत बढ़िया, सारी मेहनत हो रही है। मेला भी कैसा लग रहा है इस बार आपका? मेला काफ़ी ठीक है। क्या कहना चाहते हैं लोगों से कि सभी लोग आए मेले का आनंद लुफ्त उठाएं हर प्रकार से इसमें? झूला सेक्टर में हमारे साथ कुछ सैलानी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। मैडम, ग्वालियर मेला घूमने आए आप, इतने ठंड में, क्या ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं, इतनी ठंड नहीं है, अच्छा लग रहा है, आज कम सर्दी है। फिर भी ग्वालियर में जो झूला सेक्टर लगा है इस बार बहुत अच्छा लगा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कौन कौन से झूले झूले आपने? अभी एक नाव वाला झूला है और अभी फिलहाल एक ही झूला अभी आए हुए हैं। लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ग्वालियर मेले के लिए? अच्छा है, सभी लोग आए एंजॉय करें और घूमें मेले। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।